इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका खबरें अभी तक पर, और इस मुश्किल घड़ी में हम जानते हैं आप लगातार दिन रात काम में लगे हुए हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, लेकिन क्योंकि जनता जानना चाहती है आपके मार्फत कि हिमाचल की जनता सुरक्षित रहे, आपके आसपास के पड़ोसी राज्यों की जनता सुरक्षित रहे, इसमें हिमाचल सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के हमारे 30 मामले हमारे ध्यान में आए जो पॉजिटिव हैं, और जहां तक कदम उठाने की बात है, हमने शुरू से ही कदम उठाने में विलंब नहीं किया है। समय रहते ही हमने सारे एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें, और जैसे एकदम हमने जैसे ही सारी चीज को लेकर के तैयारी करने की जरूरत थी, स्कूल कॉलेज बंद करना, धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में सभी जितने हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो टूरिस्ट उनको भी बंद किया, ऐसे में बहुत सारे कदम लिए। फिर उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद कर्फ्यू, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आजकल के दिनों में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू चल रहा है, बाकी राज्यों में अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन जहाँ हिमाचल की बात है तो वहाँ आज भी हमारे कर्फ्यू लगा है और सख्ती से इसका पालन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल भी अछूता नहीं रहा इस बीमारी से, इस वायरस से। ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, और जहाँ बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग जो है हिमाचल प्रदेश में आकर के इस वायरस को जो है वो पहुंचाए, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है इसके प्रभाव में आकर के जो है जी तबलीगी जमात को लेकर डीजीपी साहब का बयान आया था, मरड़ी साहब का सख्त बयान था कि जो थूकेगा उस पर धारा 307, और उस थूकने की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस पर हत्या का मामला चलेगा। एक बड़ा कदम आपकी सरकार का देखा जा रहा था, तो अब तबलीगी जमात को लेकर क्या अपडेट है? क्या जितने लोग यहाँ पर आए थे उनसे रास्ता कायम हो चुका है? अब उन लोगों को आम लोगों से अलग कर दिया गया है, उनके इलाज चल रहा है? अभी तक तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमने इनके जो जितने भी जो लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद वो वापिस आए हैं, उन सबको जो जिनकी जानकारी हमको मिली सबको हमने क्वारंटाइन किया है। 172 लोग ऐसे जो हमको इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी मिली, तो और उसके बाद 17 लोग अभी और हैं जो दिल्ली अभी तक गए हैं, वापिस नहीं आए, तो 189 ये नंबर इस प्रकार से बनता है ये तबलीगियों का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आने के बाद छुपाए रहे और उसके बाद बहुत सारे लोगों को संपर्क में आने के बाद जो है उनको भी ये संक्रमित करके गए, और आज हमारे पास जितने भी ये यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी 22 लोग तबलीगी समाज के हैं, सिर्फ दो लोग जो है जो जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की एक फैमिली आई थी, यहाँ बद्दी आई थी, जिसमें से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी यही चंडीगढ़ में, तो उनका उपचार करने के लिए जहाँ जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट और एक लैब अटेंडेंट जो है वो दो बीमार हुए, लैब टेक्नीशियन बीमार हुए हैं, ये दो उसमें पॉजिटिव है, बाकी सबके सब जो है वो इसी समाज से ही संबंधित है। जी, दो लोग इस वक्त मुख्य आपकी तरफ नजरें गाड़े हुए हैं, एक वो लोग जो टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हैं और एक वो लोग जो बागवानी करते हैं, सेब उत्पादक हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल दौर है, क्योंकि पहले बात टूरिज्म से जुड़े लोगों की करते हैं, मई जून का जो महीना होता है ये ऐसा महीना होता है जिसमें ये टूरिज्म से जुड़े लोग पूरे साल भर की रोजी रोटी का अपना जुगाड़ करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली जुड़े हैं या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, होटल वाले, टैक्सी वाले, दूसरे वेंडर्स, तो उन लोगों को राहत किस तरीके से आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो सेब उत्पादक हैं जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है तो उनकी मदद के लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? कि इस वक्त तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि हम इस संकट से प्रदेश को बाहर निकाल सकें, देश को बाहर निकाल सकें, प्राथमिकता पहले तो ये है, और जैसे हम इस सारी चीज को करने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद अगला रोड मैप हमारा तैयार है, धीरे धीरे चीजों को पटरी पर लाने के लिए कोशिश करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो
डैमेज हुआ है और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ में बाकी सेक्टर भी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर और उसके बाद फार्मा सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है सबके सब प्रभावित हुए हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं तो प्रभावित नहीं हुआ है। एक गरीब आदमी जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो प्रभावित हुआ है। ऐसे में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा संकट आया है, सब इस बात को समझते हैं। ये देश के ऊपर बड़ा संकट है, दुनिया के ऊपर बड़ा संकट है। ऐसी परिस्थिति में वो सारी चीजें हम आगे अगले फेज में हम प्लान करेंगे। पहले तो हमारी प्राथमिकता यही है कि संकट से बाहर निकाले जी को, प्रदेश को। जी ठाकुर साहब, जो हिमाचल के साथ लगते राज्य हैं वहां पर इसका कोरोना का प्रभाव ज्यादा है, चाहे हरियाणा की बात करें, हम पंजाब की बात करें, और उन राज्यों के साथ जो आपके ज़िले लगते हैं जैसे ऊना ज़िला की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो इसके प्रभावित हैं वो दूसरी आपके ज़िलों की तुलना में ज़्यादा हैं। लॉकडाउन की जो सीमा है वो नज़दीक आती जा रही है। सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। पंजाब में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, तो आप की क्या गुजारिश थी प्रधानमंत्री से? और लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और लॉकडाउन से बात नहीं बनती है तो क्या कर्फ्यू लगाना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने कहा, इस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है बाकी कामों की तुलना में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एक स्वर में सभी चीफ मिनिस्टर ने यही कहा है कि बाहर निकलने का रास्ता एकमात्र है, इस लॉकडाउन को बढ़ाना है। संकट भले ही आएगा, कठिनाइयां बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर हमको इससे बाहर निकलना है तो ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा कर दिया है कि संभवतः 2 सप्ताह के बीच लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी सारी आगे की जो चीजें जो है कैसे कैसे होंगी उनको जो है वो एक दो दिन के अंदर जो है जानकारी के रूप में हमको देंगे। जब ये लॉकडाउन लगाया गया या जिन प्रदेशों में कर्फ्यू लगाया गया तो इसका बहुत सख्ती से पालन पुलिस वालों ने करवाया, कई जगह डंडे बरसाए गए, कई जगह लोगों को सड़क पे मुर्गा बनाए गए, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं जो हाईवेज हैं वो लगभग सामान्य तो नहीं कह सकते लेकिन सामान्य के 25% ट्रैफिक उन पे चल रहा है। ट्रक वाले उस पे चल रहे हैं, बाइक्स लेके लोग निकल रहे हैं, स्कूटर्स से निकल रहे हैं, सब्जी लाने के बहाने लोग बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या गुजारिश कर सकते हैं, कुछ दिन सब्जी को अगर ना भी खाएं तो दाल चावल से भी काम चल सकता है? क्योंकि लोग बाहर आएंगे तो बेशक आप फिर लॉकडाउन लगाइए, कर्फ्यू लगाइए, वो वाली जो इम्पैक्ट आना चाहिए इसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा और फिर हम पास नहीं होंगे इस सारी प्रक्रिया में। देखिए, उसमें जहां तक असेंशियल कम्युनिटीज है वो तो आपको बहाल करनी पड़ेगी। उनको कब तक आप बंद करेंगे? अगर बंद करेंगे तो उसका प्रभाव और तरह का आएगा। ऐसी परिस्थिति में ये बहुत प्लान वे में जो है वो केंद्र और प्रदेश सरकार ने सब लोगों ने चर्चा करने के बाद एक निर्णय लिया कि जो असेंशियल कॉमोडिटीज है जिसमें राशन है, जिसमें आपकी सब्जियां हैं और बहुत सारी चीजें दवाइयां हैं, ये तमाम चीजें जो है इसकी आपूर्ति किसी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब जो है वो करना जरूरी था और इसलिए किया गया। जहां तक आप बोल रहे हैं कि लोगों को सख्ती हुई, शुरू की दौर में सख्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोग इस गंभीरता को समझ ही नहीं पाए कि भाई ये कितनी गंभीर बीमारी है और इसके कारण जो है कितना बड़ा संकट आने वाला है, तो इसलिए हल्के में लिया। तो सख्ती शुरू के दौर में हुई, लेकिन अब लोग अपने आप खुद ही स्वयं अपने आप जो है वो समझ गए हैं कि ये गंभीर जो है ये वायरस है और ये पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है और ऐसे में हमको जो है सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए और इसलिए पालन कर रहे हैं। जी, एक एक सलाह अगर हम आपको दें खबरें अभी तक की ओर से और आम जनता की तरफ से कि जो जरूरी सुविधाएं हैं जो जारी रखनी है, जैसे पेट्रोल पंप है तो एक पेट्रोल पंप पे अगर मान लीजिए 10 कर्मचारी काम करते हैं तो आप कम से कम इतनी शक्ति कीजिए कि एक समय में वहाँ पे 2 से ज़्यादा ना हो। वैसे ही कोई दवाई की दुकान है वहाँ पर 5 लोग आपसे पास बनवाते हैं तो उस पास की संख्या घटाकर 1 कर दी जाए और इसकी जो समय अवधि है वो कर दी जाए ताकि अधिक लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त घर में रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है और पूरी दुनिया ने मानी है। इस बात से हम सहमत हैं, ये ठीक बात आपने कही है और हम भी इस बात से सहमत हैं। ये इस पर अमल करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कम लोगों से हम व्यवस्थाओं को चला का संचालन कर सके, ये सिर्फ पेट्रोल पंप का ही विषय नहीं, बाकी भी मुझे लगता है कि और चीजों में भी आपको सोचना चाहिए।
जी ठाकुर साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो हमने उनको सलाह दी और बाकी भी जो लोग इस शासन प्रशासन को इस दौरान चला रहे हैं और बहुत बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कम से कम लोगों को पासिस इशू किए जाएं ताकि ये जो सड़कें अभी खाली दिख रही थी पिछले हफ्ते में, अब वो सड़कें लगातार फिर से दौड़ने लगी हैं क्योंकि लोगों ने जुगाड़ लगाकर पासिस इकट्ठे कर लिए हैं और अब उन पासिस का मिसयूज़ हो रहा है। तो मिसयूज़ ना हो उसको रोकने के लिए, चाहे बात हिमाचल के मुख्यमंत्री की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, या चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी और राज्य की, इनको सीमित किया जाए। और अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, कर्फ्यू लगवा रहे हैं प्रदेश में, तो उसका जो पालन है वो सही तरीके से हो सके, इसको भी कड़ाई से लागू करवाया जाए।